पुरस्कार सभी को खुशी देते हैं। सम्मान और उसकी चमक से सराबोर होकर हर किसी को सुकून मिलता है। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के 3रे दिन के 2रे सत्र में 7th महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स इबोन बोनला काउंसलर एम्बेसी ऑफ EI साल्वाडोर नीरज ए शर्मा ऑनर कौंसल जनरल ऑफ पलाऊ रूही हक फाउंडर होप बियॉन्ड बॉर्डर्स स्तुति कंकड़ फार्मर सेक्रेटरी GOI और चांसलर सुभारती यूनिवर्सिटी देवदत्त शर्मा IAS रिटायर्ड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कहा, हमें बहुत खुशी होती है जब हम जर्नलिज्म को महात्मा गांधी पुरस्कार और ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मान करते हैं। पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कठिन परिश्रम से काम करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बता दें कि कार्यक्रम में ममता सोनी द्वारा लिखी किताब सुनहरी बसंत का विमोचन किया गया, साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम पोस्टर विमोचन किया गया और न्यूज लेटर को रिलीज किया गया। कार्यक्रम में 7वां राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2024 से पद्मश्री राम बहादुर राय सीनियर जर्नलिस्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स सुनील डॉग एडिटर इन चीफ द डे आफ्टर एंड रामकृष्ण सिंह सीनियर जर्नलिस्ट को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से उपेंद्र राय फाउंडर मैनेजिंग एडिटर भारत एक्सप्रेस हरीश बर्नवाल वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल ब्लू क्राफ्ट राणा सिद्दीकी जमा जर्नलिस्ट आसनसोल श्याम सहाय एडिटर संसद TV आशीष कुमार सिंह डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आज तक विनोद विप्लव राइटर सीनियर जर्नलिस्ट शमशेर सिंह मैनेजिंग एडिटर इंडिया डेली लाइव को अवार्ड से सम्मानित किया गया। सभी अतिथिगणों को डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। नोएडा से युवा तक भारत समाचार के लिए राजेश मंडल की रिपोर्ट। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है उनको सम्मानित किया गया, तो इसके मौके पे मुझे भी एक सम्मान मिला है जिसके लिए मैं मारवा स्टूडियो और इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर को के प्रति बहुत बहुत आभार अपना व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे फील्ड में और अच्छे समय पे आप लोग इस फील्ड में आए हैं। जब मैं आया था इस फील्ड में तो पत्रकारों को और पागल को एक ही समझा जाता था, मतलब जो पत्रकार बनते थे उनको समझा जाता था ये पागल हो गया, मतलब एक अगर फटा हुआ कुर्ता और टूटी चप्पल पहन करके एक थैला लटका करके जो चलते थे दाढ़ी बढ़ाए हुए तो उनको समझा जाता था पत्रकार है, और घर के लोग माथा पीट लेते थे कि पत्रकार बन गया। एक वो समय था जब बहुत ही कम पैसे मिलते थे, बहुत ही तरह की चुनौतियाँ थी, और आज एक समय है जब एक पत्रकार जो है वो लाखों की सैलरी मिल रही है और चमचमाती गाड़ियों में और बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, और एक समय था जब उनको बहुत ही दिक्कत होती थी, कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो एक पत्रकारिता के दौर में इतना इस दौर में जो बदलाव आया है, लेकिन साथ में आज चुनौती उस समय का था दौर जब था, तो जो पत्रकार बनते थे
जो पत्रकारिता में आते थे उनका एक जुनून होता था, समाज के लिए कुछ करने का जुनून होता था। आज जो पत्रकार बन रहे हैं उनके पास शायद जुनून, मतलब कैरियर का एक तो है कि कैरियर बनाना है, जुनून नहीं है कि समाज के लिए कुछ करना है। उनको उनका ध्यान ज़्यादातर लोगों का मतलब इस पर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, बड़े बड़े चैनल में जाएं और उनको हर तरह की सुविधाएं मिले। वही दे रहा हूँ कि मतलब उनको समाज के प्रति एक तरह से जागरूक करने का जो दायित्व है पत्रकारिता, पत्रकारिता में जो आए हैं उनका एक दायित्व अपने आप हो जाता है। कोई बताता नहीं कि पत्रकार आप किस लिए बने। पत्रकार इसलिए बने कि आपका एक सामाजिक दायित्व है, एक सामाजिक सरोकार है। जो समाज में समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, एक समय था जब दो लाइन की खबर छपती थी तो पूरा उस पर चर्चा होती थी। किसी आदमी के बारे में अगर दो लाइन छप गया कि कोई दिक्कत है तो उसका समाधान तुरंत हो जाता था। अब दिन रात चैनल में कुछ भी खबर चलाते रहिए किसी के बारे में, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अंतर हो गया कि जो दो लाइन की खबर छपती थी उसका जो महत्व उस समय था, आज दिन रात जो चैनल पे बैठ करके और उसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं उसका मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो जो आपकी एक जो महत्व है, जो लाइन दो लाइन चार लाइन की खबर छपने का जो महत्व था, आज दिन भर बैठ करके दिन रात चैनल में किसी के बारे में कुछ भी खबर चलाई है उसका कोई महत्व नहीं। ठीक है, आप लोग बाहर के हैं, फिर तो डर के काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, क्वेत ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिस्ट में आज आपको महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को, सुशक्ति दे सकते हैं उनको, ये बता सकते हैं कि आप में क्या ताकत है जिसका आपको आगाज नहीं है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खबर आप चला रहे हैं उसकी विश्वसनीयता कितनी है। हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करने के बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार ये सोचते हैं कि उनके पास रियल टाइम खबर है, पर वो रियल टाइम खबर कहीं छलावा तो नहीं है? क्योंकि एक्यूरेसी इन जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है, ये एक वक्त की ज़रूरत है और कॉल है। जब मुझे 6 महीने के लिए जापान भेजा गया था ट्रेनिंग करने के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की तरफ से, मैं सोच रहा था कि अरे जो हम लिखते हैं वही तो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हमारी जो अखबारों को पेश किया जाता कई बार अदालत में भी, तो जज पढ़ने के बाद कहा करते थे उस समय कि ये तो अखबार में छपा हुआ है, तो यानी कि उसको कोर्ट भी मान लेता था, कोतवाल भी मान लेता था और समाज भी मान लेता था। पर आज की खबर के बाद में ये पूछा जाता है ये खबर आई कहाँ से है, ये खबर चला कौन रहा है, इस खबर से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, क्या ये प्लांटेड है? ऐसे में हमें इन चीज़ों से बचना होगा और अपनी विश्वसनीयता को उतना ही ऊपर ले जाना होगा। जैसे कि मैं एक बार जर्नलिज्म के लिए थाईलैंड साइड गया, तो थाईलैंड में मैंने एक से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ का शहद बहुत अच्छा है, तो इज़ इट ए प्योर हनी? उसने कहा दिस इज़ हनी। आई अगेन आस्क दिस इज़ अ प्योर हनी? उसने कहा दिस इज़ हनी। सो आई से कि व्हाट डू यू मीन? शी सेड आई हैव ओनली हनी एंड दैट इज़ प्योर। ऐसा ही हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास जो खबर है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई तोड़ नहीं हो, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके। उसके लिए हमें ज़रूरत है उन फैक्ट्स की जिसके माध्यम से आप अपनी खबर को बढ़ाते हैं। हो सकता है कि आपकी खबर एक दिन में एक हो, पर उसकी विश्वसनीयता इतनी हो कि उसको पढ़ने के बाद आदमी कहे कि नहीं, इस जर्नलिस्ट पे तो मैं यकीन करता हूँ, ये तो लाजवाब खबर लेकर आया है।
थैंक यू सर। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करने के साथ में कहता हूं कि आप अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए और आने वाले समय के लिए देश के विकास को और बढ़ाने के लिए उन खबरों को लाइए जिससे देश को विश्वास हो कि वो खड़ा है। नमस्कार सर, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज बसंत पंचमी के इस महापर्व पर 12वां जर्नलिज्म महात्मा गांधी अवार्ड का जो महोत्सव श्री संदीप मारवा जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, अपने आप में यह अनूठा है। जर्नलिज्म का ऐसा कोई महोत्सव हमने नहीं सुना कि कहीं इतना बड़ी संख्या में लोग आते हों और इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे राम बहादुर राय जी हैं, आर के सिंह जी हैं और मिस्टर सुनील डंग जी हैं, उनको आज महात्मा गांधी अवार्ड पर जर्नलिस्ट दिया गया है तथा बहुत सारे हमारे देश से और भी पत्रकार आए जिनको कि अवार्ड आज दिए गए। पत्रकारिता के संबंध में मैं एक बात कहूँगा कि हमारी आज़ादी में पत्रकारों का जो योगदान है वो अग्रणी है, क्योंकि पत्रकारों ने ही जो ये मुहिम चली थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा, उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाई अपनी जान की परवाह न करके। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनकी खुद 1931 में शहादत हुई और उनको आज पोस्टर के द्वारा यहाँ पर याद किया गया, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे देश में पत्रकारिता के संबंध में कहना चाहूँगा कि ये पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना जाता है और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आज के परिवेश में भी ये प्ले कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में शांति रहे ताकि हमारा देश पूरे विश्व का गुरु बन जाए, और ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संकल्प किया गया है भारतवर्ष के लिए कि एक हम विश्व गुरु बन जाएं। मैं समझता हूं कि आज का ये सम्मेलन उसमें एक मील का पत्थर का काम करेगा।